आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी होने के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। आचार्य ने अपनी नीति में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक श्रेष्ठ पत्नी कैसी होती है तथा एक चरित्रहीन पत्नी में कौन से दुर्गुण होते हैं, इस बारे में बताया है। जानकारी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। चाणक्य के अनुसार किसी भी परिवार की स्त्री ही उस घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए घर की स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है। ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है जिस घर में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता। साथ ही स्त्रियों का यह भी कर्तव्य होता है कि वे अपने चरित्र की रक्षा करें, समाज में ऐसा कोई गलत काम ना करें जिससे परिवार की एवं पति की बदनामी हो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री चाहे गरीब घर की हो अथवा छोटे कुल की ही क्यों न हो, अगर वह चरित्रवान और गुणवान है तो उसे विवाह कर लेना चाहिए, उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कोई पुरुष स्त्री के गुण ना देखकर केवल उसके सौंदर्य देखकर विवाह करता है तो उसे भविष्य में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि चरित्रहीन स्त्रियों को न मान सम्मान की परवाह होती है और न ही अपने और पराए की। वे स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बताए हुए ऐसे 5 अवगुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी पत्नी में नहीं होने चाहिए। ऐसी स्त्री अपने पति का जीवन बर्बाद कर सकती है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात है गोपनीयता भंग करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं को परिवार की गोपनीयता कभी भंग नहीं करनी चाहिए, साथ ही अपने पति से जुड़ी निजी बातें कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने पर दोनों के बीच मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यह आदत उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। कोई दुश्मन आपके परिवार के रहस्य जान लेता है तो वह आपका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है, अतः महिलाओं को अपने राज हमेशा गुप्त रखने चाहिए। दूसरी बात है संकट के समय धैर्य खो देना। चाणक्य के अनुसार पत्नी की असली परीक्षा संकट के समय में होती है। जो स्त्री संकट के समय में अपना धैर्य खो देती है वह नष्ट हो जाती है। स्त्री को मुश्किल परिस्थिति में अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति थोड़े समय की होती है परंतु एक बार विश्वास खो देने पर वह पुनः हासिल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः स्त्रियों को मुश्किल परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। तीसरी बात है क्रोध करना। क्रोध स्त्री के अन्य गुणों को नष्ट कर देता है। क्रोधी स्त्री के मन में दया का भाव नहीं रहता, वह क्रोध के आवेश में अपने परिवार को भी नष्ट कर सकती है। साथ ही बात बात पर क्रोध करने वाली स्त्री मानसिक रूप से तनाव में रहती है, वह अपने आस पास होने वाली अच्छी चीजों का आनंद नहीं उठा पाती है। क्रोध से वैवाहिक जीवन में कलह की शुरुआत होती है जिससे परिवार की शांति भंग हो जाती है। चौथी बात है झूठ बोलने की आदत। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं उनके साथ रहना अनुचित होता है। ऐसी औरतें किसी भी समय धोखा दे सकती हैं। झूठ बोलने वाली महिलाएं कभी किसी के भले का विचार नहीं करती, स्वयं का स्वार्थ साधने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। पांचवी बात है संस्कार और मर्यादा का त्याग करना। स्त्री को किसी भी सूरत में अपनी मर्यादा और संस्कारों का त्याग नहीं करना चाहिए। एक घर में उसकी कई जिम्मेदारियां होती है, जैसे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहू आदि के रूप में। ये सभी जिम्मेदारियां तभी पूर्ण की जा सकती हैं जब संस्कार और मर्यादा का पालन किया जाए। ये स्त्री के ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से वह सम्मान प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये थे वह 5 अवगुण जिनका त्याग स्त्रियों को कर ही देना चाहिए। तो आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि गले पर सिंदूर क्यों लगाते हैं?
आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।